बचापच के अधिवक्ता द्वारा आज अस्थल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि मुझे बहस की तैयारी करने के लिए समय चाहिए, कोई प्रपत्र जो है अभी नहीं निकलवा पाया हूँ और समय दिया जाए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों का मामला अदालत में विचाराधीन है। रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में आज आजम खान के केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन बचाव पक्ष के वकील यानी अब्दुल्ला आजम खान के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि बहस के लिए मेरी तैयारी नहीं है, इसलिए कुछ और समय दे दिया जाए। अब्दुल्ला आजम खान के वकील के प्रार्थना पत्र पर अगली तारीख 26 जुलाई की तारीख नियत की गई है। 4/19 अब्दुल्ला आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला धारा 420, 467, 468, 471, 120 आईपीसी थानागंज की जो पत्रावली विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है, पत्रावली आज बहस में नियत थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा आज अस्थल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि मुझे बहस की तैयारी करने के लिए समय चाहिए, कोई प्रपत्र जो है अभी नहीं निकलवा पाया हूँ और समय दिया जाए, इस पर माननीय न्यायालय द्वारा 26 तारीख की तिथि नियत की गई है। सर 26 जुलाई छब्बीस जुलाई तो 26 जुलाई को बहस होगी सर? हाँ 26 जुलाई हुआ सर।